हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से जाने माने समाज सेवक ने शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र भरा। नामांकन पत्र जमा करवाने से पहले आशीष शर्मा ने भारी जनसमूहों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वे चुनाव में जीत दर्ज करेंगे और क्षेत्र के लोगों की हर समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। उन्होंने युवाओं, महिलाओं व उपस्थित लोगों से उनको भारी बहुमत से जीतने की अपील की। उन्होंने कहा कि चलें आप यहाँ पे बुलाई थी और आज अभी नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा हूँ। सारी समस्त मीरपुर की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना समर्थन और अपना आशीर्वाद मुझे दिया। देखिए मुझे मेरी कांग्रेस पार्टी में मुझे बुलाया गया था। मैंने पहले भी बोला था, जब जितने भी मेरे सम्मेलन हुए मैंने बोला था कि मुझे टिकट मिले या ना मिले मैंने चुनाव लड़ना है। उसके बाद जब मुझे मेरा नाम आप सबको पता है, मेरी पृष्ठभूमि बीजेपी परिवार से है, मेरा नाम बीजेपी में टिकट के लिए चला था। उसके बाद जब मुझे कांग्रेस हाईकमान से एक सम्मानजनक जब ऑफर मिला, उन्होंने मुझे बोला कि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम आपको टिकट देंगे। मैंने अपने जो मेरे जितने भी समर्थक हैं या जो भी, मैं जब उन्होंने सम्मानजनक ये ऑफर दिया मुझे, मैंने अपने समस्त जो मेरे समर्थक हैं उनसे मैंने पूछा और उन्होंने सभी ने मुझे ये बात बोली कि आप बात करिए और अगर आपको टिकट मिलता है राष्ट्रीय पार्टी का तो ये बहुत अच्छी बात है और आप भाई चुप रहो और आप ज्वाइन करें और टिकट लें। हमीरपुर से आपका फैसला संवाददाता रविंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट।